रिच डैड पुअर डैड। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वे PhD थे। उन्होंने अपने 4 साल में अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे, दोनों ही अपने करियर में सफल रहे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई में विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता, क्योंकि सलाह देने वाले दो थे। इसीलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते, एक अमीर आदमी और दूसरा गरीब आदमी का। किसी का भी एक विचार और सीधे सीधे मान लेना या न मानना के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिया एकदम अलग अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयां की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे कि पैसे की कमी ही सबसे बड़ी बुराइयाँ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाह से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बात नहीं करते थे, उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। खासकर मैं पैसे के मामले में काफ़ी लंबे समय तक सोचा कर उनमें मैं किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता। मैं खुद से बार बार इस तरह सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातें इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधी उनकी बात ठुकरा सकता। बुड्ढे को यह नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसीलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का वैसे स्कूल में नहीं बल्कि घर पढ़ाया जाता है, शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हमें ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है, वह सिर्फ इतना ही कह सकता है कॉलेज जाओ, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा आगे अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उनकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब तक सीखा था जब वह छोटा था। वैसे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूलों में शैक्षणिक और व्यवसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, ना कि धन संबंधी निपुणताओं पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर, डॉक्टर्स और अकाउंटेटर्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा है वह काफी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीति बनाते हैं, और मजे की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं।